पचानवे और जाहिल मिलेंगे उनको पता ही नहीं होगा वो एक्चुअली सिर्फ इस्लामिक नॉलेज के ऊपर बोल अच्छा रहे अच्छा आप उसको इस्लामी नॉलेज में लेकर आप उसको लिटरेसी रेट में लेकर जाएं। ट वी सेट कि मुझे उनके स्टार्ट की समझ नहीं हाँ, लगी आप किसने कॉमेंट किया मुझे बताया किसान कि लेते, कि लेते हैं मतलब <laughs> फिर भी मुझे नहीं समझ लगा इनका नहीं जबकि मर्दों में मुझे भी इनके क्राइटेरिया से मसला जो उन्होंने कहा था लड़कों में तो फिफ्टी फिफ्टी भी है लड़कियों में कोई फिफ्टी फिफ्टी नहीं थी उनकी अपनी एक थोड़ी थोड़ी बायस थी थोड़ा मुझे भी उनका सैंपल जरा अजीब सा लगा था उसके अलावा जो जाहिल वर्ड है उसको होता है कि लाल आपको

पिछले छः महीने से बार हाँ बार मुझे तशद का निशाना बना रहे हैं और छ महीने से वो कोशिश करती है शादी अपनी बचा सके मैंने पूरी कोशिश की है इन छह महीनों में कि ये रिश्ता जाए और अब वो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है तो मैं कहता कि आयशा मतलब जो एक इंडिपेंडेंट औरत है, जो बात करती है उन्होंने भी कोशिश की एक यू नो अपना घर बसाने की और कितनी मुश्किल होता है एक औरत का हाँ। इस माशेरे में तो बहुत सी बातें जो उस दिन साहिल साहब भी करते कि आप जाके मस्जिद में जाओ आई थिंक कहीं ना ज्यादा इस बात को लेट फील भी करी थी कि वो कहते हैं मस्जिद में जाओ जाके फतवा लगाओ मतलब इतना आसान नहीं होता है कि चीज देखनी पड़ती है अपनी हाँ, फैमिली हाँ. बच्चों का हर चीज का बहुत से फैक्टर्स होते और हैं और ये अभी एक ऐसी औरत है जो इंडिपेंडेंट है काफी हद तक फाइनेंशियली हाँ. भी तो उनको इतने फैक्टर्स थे तो वो एक, सेन उनको पता हाँ. भी है दिमागी तौर पे मतलब सेंशन की बात नहीं मतलब ये कि बेसिकली औरतों के एजुकेटेड है मतलब मेन इशू होता है कहने की आपकी इंडिपेंडेंस का कि अगर आप इस का कुछ होता है आप उसके बाद फिर कहा जाओगे समझ रहे हो पैसे कौन देगा घर कैसे चलेगा वो मेन सवाल होते हैं तो अब जो ड्रामा नूर जो जामी किरदार है तो कहीं ना कि यही है ना कि उसके बाप ने बाप तो खैर नहीं जो उसके चाचा उन्होंने कह दिया कि बेटा हम तुम्हें नहीं संभाल सकते हाँ। तो अब तुम्हारा घर यही है लड़कियों का वो थोड़ा बात सा कहीं ना कि अपने घर वाले भी कहते वापस आओगे जबकि जो कुबरा का किरदार है उसके पास वो एक है

ओ ओ हम बॉडी बोल गए हम कोई नहीं बोलिए टंग 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है हम और बेल आइकन प्रेस करना है मैंने स्टेप को कहा भी था कि याद करना मुझे तो पर मैंने याद करा दिया तो हम बेल को बजाएंगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस हमारी टाइमली मैनर में मिलती रहे और इसी नोट वेब शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं तमाशा की अगस्त का महीना आने वाला है और आप सब जानते हैं अगस्त में क्या होता है बचती हैं डुग डुगिया बांसुरिया और पता नहीं क्या क्या और भाई लगते हैं तमाशे है, क्योंकि तमाशा वापस आने वाला है अपने सीजन थ्री के लिए वुँ। 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 सुनने में आ रहा कि है कि फर्स्ट अगस्त स्टार्ट होगा तमाशा सीजन थ्री आपको याद होगा उन्होंने लास्ट तो अपने फिनाले पे अनाउंस किया था कि अगले होगा जरा और लंबा दिनों में इजाफा ये लोग करेंट सिक्स डेज होंगे इस साल तमाशा में हर साल ये लोग दिनों में इजाफा करते हैं आई होप इस साल जरा

अच्छी तरह याद है कि एक लड़की है जिसका तो नाम मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा तो उसका टास्क था वो एक कॉमनर थी अच्छा। तो उसका टास्क था कि तुमने सबको कन्विंस करना कि तुम एक सेलिब्रिटी हो अगर तुमने कन्विंस कर लिया तुम यहाँ पे रह सकोगी जब याद उसे क्या था नहीं कहता मतलब उसे पकड़ लिया था लोगों से पता नहीं मुझे याद नहीं उसे कहता मैं साउथ फिल्म कर चुकी हूँ रागनी रागनी नाम था उसके अपने ख्याल से ऐसा उसने कुछ मजे कॉन्सर्ट यहाँ पे वैसे चीज कर सकते हैं यहाँ पे तो खबर बाहर आ चुकी है ना कि कॉमनर आ रहा है

There's a lot to say say. on uh, this. but I won't बता <laughs> दी बहुत मजा आएगा मुझे तमाशा की अच्छी है। वो हमेशा हर किसी को इंक्लूड करते हैं। वो हर huh. मतलब

मना कर दिया था हाँ। इस था नाम आज आ जा रहे होते हैं तो दो नाम सबसे पहले मुझ तक तो पहुंच थे जो आई थिंक कंफर्म भी हैं वो हैं भाई नुमान हबीब और मलिक अकील नुमान हबीब का हम सब देख चुके हैं बहुत से ड्रामा में और आपको याद होगा मेहु शाहिद अफीदमी इन्होंने मस्ती में डूबी <laughs> रात है थोड़ा सा तुझे मूवी का थोड़ा और उसके बाद इतनी फिल्म आई थी थोड़ा सेटिंग थोड़ा प्यार जहाँ पे सईदा इम्तियाज इनके साथ थी जो तमाशा में ऑलरेडी आ चुकी है तमाशा यूनिवर्स में भी अब आपस तो में लोग खेलेंगे हाँ। उस कर देंगे ट्रेन की पता कैसे करना है घर के अंदर तुमने दिया और करना तुम घर जाकर मैं मर गया हूँ का जो फ्लॉप स्टंट था वो मेरे बहुत एकदम लगता है तो ये दो नाम मुझ तो पहुंचे थे इसके बाद मैंने जर खबर लगाई इधर उधर पता मैं और कौन से नाम आ रहे हैं तो मुझे कुछ नाम मिले बट आई केंडसेंट कन्फर्म दीज ने ये दो नाम तो कन्फर्म है ना नुमानबी हाँ। और uh, मलिका की बाकी नाम सुनने में आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं।

वो जो शो होस्ट करते थे नहीं वो एक इंडिया के किरदार था ये बहुत मतलब क्रिएटिव्स है तो मुझे मजा आ रहा है वो मतलब कि एंटरटेनिंग वाले एंगल में वो सारा आपको हाँ। वो वाला पार्ट्स जरा करेंगे अच्छे से और अगला नाम सामने आ रहा है वो है जुहाब खान का इनको बहुत से हम ड्रामा में देख चुके अभी इनकी शादी भी हुई है हाँ, हाँ, वो भी और मैं वैसे भी देखने जाती हूँ घर पे किस तरह पूरा रहेंगे हाँ। इनकी जो वाले ही पूरा है मुझे उसको हाँ, बहुत एक, नहीं बहुत एक बार हाँ। कहा का सोचा जब मेरे पास कुछ ऐसे ड्रामे आए जो रिजेक्ट हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ माई बेड

और जुलेद अख्तर का नाम यार वो भी एक एक्टर है उनका भी नाम सुनने में आ रहा है और फिर थोड़ी लड़कियों की बात भी कर ले भाई लड़कियों में सुनने में आ रहा है साइना बलोच का नाम आ रहा है भाई जो मोरा चट में दिखी थी उसके बाद मोसिन के साथ फिल्म आई थी सुपर पंजाबी उसमें अगर हुई थी अब वो तमाशा घर में आ रही है और जितना मैंने इनको थोड़ा बहुत देखा मुझे जरा बड़ी धीमी जरा मिजाज की इंसान है थोड़ा मुश्किल हो गया इनकी तमाशा घर में जरा एडजस्ट होना है मजा आएगा देखने को क्योंकि मूवीज वगैरह में देखे तो थोड़ा और अनंतर मीर का नाम भी सुनने में आ रहा है ये भी एक एक्ट्रेस है

जलालत हुई लोगों okay. ने कमेंट किया राय का इजहार किया और सोशल मीडिया पे एक थरथली मची हुई हुँ. है आज हम बात करने वाले इस सारे पॉइंट के ऊपर और हम कहीं ना कहीं इस बात को मैं बहुत ही एक लॉजिकल अंदाज में स्टेप बाय स्टेप इस बात को लेके ले चलना चाहता हूँ उसको डायसेट करना चाहता हूँ कि इसको हम अनपैक करें इस पूरे मसले को सबसे पहले मेरा सवाल है कि क्या इस सब कुछ जो हुआ क्या दुनिया भर में इस तरह होता है गवर्नमेंट्स सेलिब्रिटीज को पोलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड करती हैं अपनी बात को आवाम तक पहुंचाने के लिए जी हां बिल्कुल करती आई हैं करती हैं और करती रहेंगी जहां पर सेलिब्रिटीज को ऑन बोर्ड लिया जाता है कि कहीं ना रहेंगे पहुंचेगी एक रीच ज्यादा है, हाँ, वो बात है।, वो है हाँ, और डिफरेंट बातों के लिए कहीं कही ना कहीं इसमें होता है कि आप सोशल इश्यूज को भी बात हाँ, करते हैं आप टूरिज्म की बात करते हैं कल्चर प्रमोशन बहुत कुछ जगह जहां पर पोलिटिकल पार्टी करती आई है अब इसमें होता है क्योंकि तीन तरह की होती है फर्स्ट पेड होता है जहां पे आप किसी को यू you नो know, एक पैसा ही पैसा <laughs> पैसे पे कि एक टेनेंट होती है कि हाँ। पैसे इन्वॉल्व होते हैं आप एक पेड बैंड एबेस्टिक तौर पर हैं

बिल्कुल होता आया है होता है और होता रहेगा जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज और तो ने सेलिब्रिटीज को को ऑन बोर्ड किया अपनी बात को तक पहुंचाने के लिए अब मैं काफी देखा था कि अम्मा ने भी बात की इसके बारे में तो लोगों को पता है हम कहीं हम प्रो पीटीआई हैं प्रो इमरान खान और कहीं ना कि लोग इस बात को जानते हैं तो लोगों ने कहा आप लोग इस बात को कैसे भूल लें कि इमरान खान के दौर में सब कुछ हुआ था बिल्कुल मैं इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करे सब कुछ तब भी हुआ था लेकिन ये बात पेन पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल है कि कितने लोगों ने उसमें पैसे किया और कितने लोगों ने वॉलिटली किया हाँ. की कि ये बात आप सबको माननी पड़ेगी चाहे आप इमरान खान की सपोर्टर हो चाहे सपोर्टर ना हो इमरान खान की जो एक फैन फॉलोइंग है जो इक्ोरिया हाँ, था हाँ, हाँ, हाँ. अभी भी

कि एक तो मैं बात कर दूं कि ट्रेडिशनल मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रमोट

पाकिस्तान में भी करती आई है तो अब मेन सवाल बनना कि इस भी इशू क्या आता है इसका मसला क्या बना कि जब सेलिब्रिटीज ने सपोर्ट किया एक हुकूमत को एक यू you नो know, कहने की पॉलिटिकल पार्टी को तो उस वक्त इशू क्यों बना इमाम इस बात को करें कि मैं जो बहुत सी मेरे पास सब पॉइंट्स हैं कहने की पहला आपने आपके हाल से पहला सब कि क्यों बना

एक्चुअली नहीं काफ़ी चीज़ें कर रही हैं जो हमें ज़रूरत है तो वो वाला पॉइंट भी सारा अभी यार था कि बहुत सेंसिटिव हालात चल रहे हैं उसमें इस तरह की वीडियोस बनाना अगर आप पिछले कुछ हफ्तों में देखें सोशल मीडिया भरी हुई है इन खबरों से भाई यहाँ पे टैक्स लग गया वहाँ पे टैक्स लगे टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हैं हर चीज पे टैक्स उनके खत्म नहीं हो रहे पता नहीं किस सांसों पर भी टैक्स लगाना है हर चीज पे टैक्स किसी चीज को तुम जाने दो जहाँ पे उन्हें मौका मिल रहा है और कहीं कही ना कहीं जो पीएम की हिस्ट्री पहले रह चुकी है वो सब लोग जो बातें करते हैं अब मैं क्या उन बातों को दोहरा हाँ, आप सब नी, नी, जानते हैं बातों को तो वो बात कहीं कही ना कहीं रह चुकी है तो उस सब में कि जहां पर सेलिब्रिटीज के पहले कर चुके हैं साथ जैसा एटमोस्फेयर जो माहौल उसमें बात करना हुकूमत टॉपिक्स भी जो उठा रहे हैं मैनोरिटीज के लिए कर रहे हैं उस चीज के लिए कर रहे हैं वो सारी चीजें कहीं ना कहीं नहीं हो रही हैं तो आप क्या बात उठा रहे हैं वो भी मुझे थोड़ा सा लग रहा था यार। यार। मैं एक बात कह रहा चाहूंगा like हाँ। एक बात है कि मैंने जुनी अकरम की सबसे ज्यादा वो थी बहुत लॉजिकल तरीके से बात को स्टार्ट किया उन्हें से कंपेयर किया तो बड़ा वो अकलमंदाना उनकी अप्रोच थी तो मैं जब भी लाहौर वहां पे हुकूमत को काम करते हुए देखा है कहीं ना कि उसमें एलिमेंट अगर बाकी सब ने ना किया होता ना

Who? और आयशा उमर लाइक मुझे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी थोड़ी कि लाइक वो हमेशा साइंटी की आवाज बनेगी वो ऐसे कैंपेन्स का हिस्सा नहीं बनेंगे इतने बुरे हालात इस, इस, इस में, समझ इस वक्त में कि क्या कि से चल रहा है कितना कुछ चल रहा है तो मेरी अगर आप बिलीव करते हो आपके साथ हूं अगर आपकी असल में यकीन है

उर्मा ने बोला करने के बाद कि मैंने तो किया तो भी किया उन्होंने लंबा सा चिट्ठा लिखा जिसमें उन्होंने लोगों को पिन पॉइंट किया तुम पापी पाकिस्तानी हो तुम लोगों को क्या लगता है हमेशा लड़ने को आ जाते लोग लोगों सामने मजाक उड़ाते वो मतलब धड़ल से उन्होंने ओन भी किया क्योंकि सनन सईद ने भी अपनी उस वीडियो के बाद कॉमेंट्स में थोड़ा सा पता नहीं डिफेंड करने की कोशिश की वो अपनी तरफ से रॉबन उड वाल ये कहती कि मैं वहाँ से पैसे लेके गरीब में मार दूँगी तो

जो लोग हैं बीच में वो हैं, उनके खिलाफ बड़ी, भी। बढ़िया सवाल है शुद्ध एक्टर्स भी पॉलिटिकल इस पे दोनों तरफ के जवाब आ सके हैं, एक तरफ हाँ यस फ्लिप ये भी है, कि भी आटिस्ट, आटिस्ट है वो उन्हें के ये चाहिए। बोलना फील्स के तो बोल रहे हैं तो मतलब भाई इसमें इतनी हलचल क्यों मची इससे पहले भी इंस्टाग्राम में बहुत चीजें बेची जाती है मुझे वो ही हमेशा ऑफ लगता है मुझे जब भी प्रमोट करू मैं खुद यूज करी हूँ या फिर कभी की हो लेकिन ठीक है कर लूंगी कर लूंगी बट जैसे फोन वगैरह होते हैं एंड्रॉइड कर रहे होते हैं अपल यूजर है वो मुझे बड़ा वो लगता है कि आप कैसे उसकी तारीफ करें आपको तो पता ही तो नहीं क्या बड़ी है बड़ी कॉन्वर्सी थी जब यहाँ पे ना एक पता सेलिब्रिटी था जिसने ना ट्वीट करना था कुछ हाँ। सैमसंग के बारे में तो उन्होंने ट्वीट किया और लिखा सेंड फ्रॉम आईफोन

के बिलों को लेके हाँ। का बहुत महंगाई बढ़ चुकी है बिजली का बिल वाला मसला जो है बहुत ज्यादा यानी टेबल भी कभी बार बना देते हैं इस तरह कैशली बात है बिल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बहुत अब नॉर्मल किस्म के वो कि किसी का वही जो बीच बीच में लोगों ने वीडियोस बनाए कि हम एक ए सी चला रहे हैं मेरा तो एसी नहीं चल रहा एक भी इतने और बड़ा है बिल इतना बढ़ गया है तो बहुत सोने बात की मीरा ने इसके बारे में बात की यहाँ पे मिश्री खान ने बात की संगीता जी ने बात की शाह का बड़ा मजे का था हाँ। इस पे

बिल्कुल वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा फोर बोल आपको चुके हैं नजर भी आ रहा होता है कि कौन हाँ। किससे कौन करेगा कि नहीं आप भी थोड़ा सा सोच रहे हैं उन लोग सबको एक वो भेज दिया भेज दिया एक उनके पास लिस्ट है उनका ठाठा सबको भेजेंगे हरून हरुण शाह तो भेजा नहीं 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 हाँ। हाँ। ना जो थे हाँ। नारा एक और वो उस वक्त पे था जब सब सब कुछ PTSL के साथ चल रहा हाँ। था। <laughs> था। सब कहती क्या हुआ तो वो जिब्रान ने थोड़ा सा दुख रहा मजाक मजाक में कि मैं तो तैयार बैठा था मुझे तो पता नहीं क्या लिस्ट थी अगर आपको कहा जाता आप इस कैंपेन करते हैं

तमाशों की हाँ। तमाशा शो की भी हाँ। और जो लगे सोशल मीडिया हाँ, पे हाँ। आप भाई बात करते हैं एक असली ड्रामे की जी हाँ एक ड्रामा की जो बनने जा रहा है और उसको कौन बना बना रहा है इसको बना रही है इसको रही संगीता जी जो बहुत एक बड़ा नाम हमारे मुल्क का बहुत ही सुपर फिल्म बना चुकी है इनका लास्ट अभी ड्रामा अभी चल रहा है रहे जिसका नाम है दो बूंद पानी इसके बाद संगीता जी एक और ड्रामा लेकर आ रही जिसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इस ड्रामा का नाम है उबरा जान अदा और सिर्फ एक ड्रामा नहीं एक 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 फिल्म फिल्म भी 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 है, है, है दोनों चीजें हैं। आप बताएं हमारी जनता को। ये भी एक ड्रामा भी है, ये ड्रामा जो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बनाएगी नेटफ्लिक्स पे भी लगेगी ये ड्रामा जो है ना पूरी दुनिया देखे और इनशाला नेटफ्लिक्स पे जाएगा ये और हीरा मंडी को ये उनकी है, उनकी है अच्छा उम्मीद है, पर वो बता रहे है कि हमारा जिसे वो नहीं खड़ा उतर सकेंगे क्योंकि जितनी

कहना चाहूंगा संगीता जी बहुत एक बड़ा हाँ, नाम इंडस्ट्री हाँ, का हाँ, है, दो पानी। वो मैं तो नहीं देखा डिस्पाइट द फैक्ट कि संगीता जी अभी काफी उनकी एज हो चुकी है वो काफी हाँ, उनकी वो अपनी बहुत ज्यादा हेल्थ के में, फिर भी वो हाँ, अपना डर के काम करती हैं और वो एक अच्छा काम लेकर आती है और उनके दो बूंद पानी कुछ चीज में यहाँ भी प्ले करना चाहूंगा जिनको लागी हो ताकि आपको भी आइडिया हो गया एग्जैक्टली किस वो काम हो कर चुके हैं और उमराव जो अदा की कास्ट बात बहुत एक स्टार स्टेड कास्ट है भाई हमारे मोहम्मद राना मीरा जिया अली और भी दी लोग तो बहुत एक मजदार कास्ट होगी क्योंकि दो पानी कास्ट थी बहुत हैं इसमें पप्पू जी को उन्होंने रख लिया साथ करने के लिए एक गाने उन्होंने बड़ी मुश्किलों से मैंने शूट किया होगा इस गाने को कैसे प्रेजेंट करूँ मुझे उस लेवल तक पहुंचना था तो बड़ी भी मुश्किल है बट इतने अच्छे उन्होंने गाने के लिरिक्स लिखे कि मुझे मैंने दस से बारह गाने दस से बारह गाने

वो काफी देर बनता रहा था भी, काफी मुश्किल का कर सामना करनी पड़ी उनकी ख्वाहिश भी है की वो ऑस्कर कभी जीत सके तो उन्हें लेगा एक ख्वाहिश है बस ऑक्कर अवॉर्ड की हाँ उनकी भी और मीरा की भी मेरी भी है कि हम ऑस्कर लेकर आए तो उन्होंने कहा था जो दो बूंद पानी है ना उसको वो कार्ड कूट के ऑस्कर के लिए भेजना चाहेंगी दो बूंद पानी का सब्जेक्ट जो पानी पर है भेजूंगी ऑस्कर के लिए हाँ क्योंकि उनको लगता है उसका ऑस्कर उनको मिल सकता है इनशा मुझे पूरी उम्मीद है कि उस उसपे अवार्ड जरूर मिलेगा तो आई गेस मैंने सब कुछ सम अप कर दिया है और ये बहुत शो होता है खत्म बट नॉट विदाउट बिग बॉस जी हाँ स्टार्ट करते हैं बिग बॉस ओ टी टी सीजन थ्री का रिव्यू आप सबके प्यार में भी मैंने भी एक डुबकी मार बिग बॉस ओ टी टी की दुनिया में लेकिन एक बात मैं आपको भी बता दूं ईमान को बता दूं कि सुनने में आ रहा है कि बिग बॉस ओ टी टी बस खत्म होने वाला है। दो, है दो हफ्ते दो हफ्ते रह गए और आई थिंक इतनी ज्यादा रेटिंग इस आई मैं बन, बनती भी नहीं थी नहीं रेटिंग ना है क्योंकि जो एक्सटेंड करते हैं ना फजूल का लोगों को डाल डाल के मुझे वो नहीं पसंद कस, तो जितना भी की से भी थोड़ा इतना पसंद किया इस बार बिग बॉस को उन्होंने कहा कि इतना हमें मजा नहीं आ रहा है दो दो लोग हैं कि बहुत हाँ, बस बोर गया वही बोर गया है खाना पे लड़ाई होती है सिर्फ खानों अगस्त फर्स्ट अगस्त से पहले खत्म होने वाला सुनने में आ रहा है और तब तक हमारा तमाशा स्टार्ट हो जाएगा हम तमाशा की भी डिटेल में, डिटेल में बात करेंगे और जब बिग बॉस का मेन आएगा सीजन उसकी हम प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे

Red Bull <laughs> <laughs>

हाँ। कितना लकी है विकी हाँ। भाभी को दुनिया लोग सब कहते हैं हम लोग के पर अब खैर विकी ने थोड़ा प्रूव करना चाहे मुझे विकी अच्छे लगे हैं तो बात तो बस में बट वरना कैटरीना लाइक ज़्यादा मुझे पसंद है तो ये मुझे इतनी बात वो नहीं लगी थी बट भाभी वहाँ बैठी बैठी स्टेज पे बोली जा रही थी वहाँ पे उसके अनिल के बोर्ड भी भाभी के साथ

और मैंने एग्जैक्ट इस मुद्दे को मैंने कोई फॉलो अप नहीं किया शिवानी झूठी है <laughs> बस <laughs> बट शिवानी झूठी है कि नहीं है। उन्होंने अपनी शादी पच्चीस सौ से तीन हजार लोग oh. बुलाए थे जिनको खाना नहीं मिला कुछ कुछ जिस तरह कॉमनर और पता नहीं उन्होंने अपने भी कुछ रखे हुए थे बड़े लोगों को मिलेगा तो वहां पे उसने जवाब नहीं दिया भाभी ने कि वो पच्चीस सौ लोग भूखे रहे कि नहीं रहे वहाँ पे चुप हो गए थे मुझे बस तू पता घर वाली बात का पास थे उनके लिए खाना नहीं था मैं किसी और बात के लिए बात कर रही हूँ शिवानी ये बात घर में एक्चुअली उसने बस ये बोल दिया था कि खाना डाल दे

भाभी हाँ। पे नजर रख रहा है हाँ। और अरमान हुए इस बात है बहुत जरा भावुक हाँ। अरमान ने मारा विशाल खींच के चाटा अच्छी एक बात बताओ भाई, भाई नहीं नहीं भाई अब जब चांटा मारा सही गलत मानना नहीं माना ये बिग बॉस के नियम का उल्लंघन था

ठीक है हमारे पाकिस्तान में भी हम लोग मल्टीपल शादियों को अलाउ करते हैं बट ये जो इनकी शादी जिस तरह हुई है ना ये बहुत ही अजीब सी बात, सी बात, है, बात कि है कि दोस्त के आपके हस्बैंड को फंसा लिया हाँ। ये गलत बात कोई हाँ। की बात नहीं है पायल पहले दिन आके रोई थी ये नहीं था पायल बन गई पायल बहुत दुखी है अभी तक काटी अपनी मुझे वो भी अरमान की बात बोल लगी थी कि कैसा घटिया बीज है तू तो बुरा तो ये लगा ना तेरे जैसा गंदा भी पैदा किया उसने बहुत गंदी बात बोली तेरी मां पछताई होगी अरमान ने बहुत एक्सट्रीम कस मिसाल कुछ नहीं कह रहा था वो चुपचाप शर्मिंदगी के साथ करता कि मुझसे एक बात गलत होगी कि मैंने चलो गलत बोल दिया हां और वो जो कृतिका गुड्डू गुड्डू घर से बाहर जाके करना हो अभी कसर नहीं बुरी हुई प्लीज गुड्डू घर से बाहर जाके जो मुझे मत 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 हाथ मत मार एक चपेड़ मार दिया वो बेचारा अच्छा वो भी ना उसके दो मतलब कानसुन हो गए थे शाह दो जरा हक्का बक्का रह गया फिर उसको रिएक्शन उसने दिया कि क्या मुझे मारा क्यों मुझे मारा उनका जो आराम से बात करें खरीद लो फिर से मैं खरीद लो और मुझे इस पूरी सिचुएशन में दिल करता कोई लव को मार दे हाँ। लव इतना चवल दोस्त इतना चवल दोस्त इतना चवल देखो चुड़ैलों का फायदा होता है <laughs> सारा ने सही किया कि इसको पकड़ तो विशाल

हुआ है हिंसा हाँ। बिग बॉस ने थी के जो होते हैं और बेसली है। बिग बॉस उन्हें हाँ। बताया स्पून -फीट करे तो करे तुमने क्या बोल रहे मेरा मानना तो ये है कि भाई एक आदमी की बीवी के बारे में जब बात की जाएगी वो तो बहुत ही ज्यादा उसके भावुक हो गए बट आप लोग आप क्या ख्याल है हाँ, ये ख्याल से तो, तो आपके घर का यही अच्छी बात है कि आपने जिस तरह के अपने रूल्स ये रखे हुए हाथ नहीं, नहीं लगातार हाँ। इससे पहले की सीजन में जो माँ बाप को गालियां दी गई है हाँ। और लोगों ने हिंसा किया आपने आउट किया है तो माँ बाप के ऊपर आप

तक भी। बाहर बहुत यहाँ पे सारी लड़कियां अपने आप को संभाल आज इसे बोल रहा है कल इसे बोलेगा परसों उसको बोलेगा ये भी तो शादी शुदा है सारी यहाँ पे तोहफा तोहफे संभाले तू है बुल

उसके बाद फिर मंडे ट्यूसडे मान ली मनीषा बाय चली गई क्या मनीषा को थोड़ा सा कर लो और दोस्ती में गलत नहीं कहना चाहिए था वो कटारिया वाला ब्रोकोट वाला थोड़ा सा हुआ

मुझे उनकी बात सही लगी रणवीर अपनी मेमिक्रिया कर रहे थे उसके बाद नॉमिनेशन हुई नॉमिनेट हुए दीपक लवकेश विशाल शिवानी अरमान दीपक भैया बाय भाई बाय भाई दीपक भैया शिवानी रोने लगी कि मैंने चंद्रिका से एक्सपेक्ट किया था उससे एक्सपेक्ट किया था नेजी से खिलाफ हो गया सब अपने अपनी जरा पूड़िया मजार थे किसने किसको नॉमिनेट किया है रणवीर जरा शिवानी के खिलाफ कैमरे के लिए करती है और वो एक्चुअली कैमरे हाँ। की भूखी लड़की है वो सिर्फ सारी परफॉर्मेंस करती है कैमरा के, के वास्ते करे है हाँ ड्रामे करेगी करेगी और वहां पर रनवीर शिवानी की लड़ाई हुई की तू कॉन्सेंट परफॉर्मेंस कर वो बदतमीजी बदतमीजी करती रही नेक्स्ट डे पे आ जाते हैं नेक्स्ट डे शुरू हुआ निजी के फ्लश स्टोरी के वो बहुत लंबी स्टोरी चलती वहां पे मुझे अरमान की नेगेटिव नजर आई अंदर क्या है था बाथरूम में कि तू फ्लश नहीं करता फिर बाहर जाकर भी सबको लान किया कि नेजी फ्लश नहीं करता और पूरे घर में आ था कि नेजी नेजी फ्लश फ्लश नहीं करता समझा उ

तो बाहर आके बदला बिल्ली को मरे दो महीनों <laughs> 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 के थे मोमेंट। उसके अलावा हम बिग बिग बॉस के पॉइंट पे था सोचो लोग अपने गूगल पे सर्च करते हैं वो की स्ट्रीम में पूल स्टोरीज <laughs> खैर उसके अलावा और... कृतिका ने थोड़ा दुख मनाया कि मैं ना एक कपड़े पहनना चाहती हूँ पहन के आ रहे हो तो एक अगर बंदे ने बोला आप तो दुनिया के सामने आ रहे हो और पता नहीं दुनिया में लोग क्या क्या बोलते हैं तो ये पॉइंट मुझे गलत लगा या फिर आप वैसे ही को मुझे बुरा लगता है कोई नजर सबकी नजर बुरी होती है इंस्टा पे तेरी नजर बुरी थी

और इससे हमारा शो होता है खत्म हैश टैग फीडबैक कॉनर है चैनल को सब्सक्राइब कर लेकिन देख रहे हैं